हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, लोकी नाम का ये कैरेक्टर कहने को तो मार्वल का एक विलन है, जिसका नाम हमेशा थॉर के बाद आता ही है। मगर एक विलन होने के बावजूद भी ये कैरेक्टर दर्शकों का दिल जीतना बखूबी से जानता है, खास करके एमसीयू में। और क्या आप लोगों को पता है कि शायद हमें मेन टाइमलाइन का लोकी दोबारा दिख सकता है, और शायद मेन टाइमलाइन में हमें आगे जाके किड लोकी भी दिख सकता है। और क्या आप लोगों को पता है कि लोकी सेक्सुअलिटी के मामले में हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल नहीं है, लोकी पैनसेक्सुअल है। यानी वो बंदा जिसके लिए जेंडर कोई मायने नहीं रखता, वो लोग जेंडर ब्लाइंड होते हैं। वो किसी की तरफ इसलिए अट्रैक्ट नहीं होते कि सामने वाला लड़की है या लड़का है या ट्रांसजेंडर है। वो लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि सामने वाले का पर्सनालिटी उसे पसंद है, चाहे सामने वाला कोई लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो। और लोकी भी एक पैनसेक्सुअल है। पता है, आप में से काफी लोगों को ये पता नहीं था, और इसीलिए आज हम लोग जानेंगे लोकी के बारे में कुछ ऐसे अनोखे बातें जो आप बिल्कुल जानना चाहेंगे। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी हिचकी चाट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर वन, लोकी कभी भी मर नहीं सकता। What? जी हाँ, वो मरेगा तो सही, मगर उसकी मौत टेम्पोरल होगी। दोस्तों, कॉमिक्स में एस्गार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ हेला एक्चुअली लोकी की बेटी है, क्योंकि लोकी ने ही हेला को क्रिएट किया था, जो एस्गार्डियन हेल वैलहेला की रानी है। और अपनी बेटी हेला को अपने डोमेन का कुछ पोर्शन देने के बदले लोकी ने हेला के द्वारा बुक ऑफ हेल से अपने नाम को हटवा लिया था। और क्योंकि हेल के किताब में अब उसका नाम नहीं था, इसलिए वो परमानेंटली मरा हुआ नहीं रह सकता। वो टेम्पोरली तो मर सकता है, मगर वो दोबारा पुनर्जन्म ले लेता है। जैसे वॉइड के हाथों से मरने के बाद जब थॉर लोकी के तलाश में निकला था, तब थॉर को लोकी दोबारा एक बच्चे के फॉर्म में जिंदा हो चुका मिलता है, और वो किड लोकी को दोबारा सब कुछ याद दिलाता है कि वो लोकी है। और इस बार हमें जो यंग लोकी मिलता है, ये लोकी काफी डिफरेंट था। और शायद ऐसे ही एमसीयू में भी मेन टाइमलाइन का लोकी अपनी बड़ी बहन हेला के साथ समझौता करके ऐसे वापस आ सकता है, और हो सकता है कि मेन टाइमलाइन में हमें लोकी को एज ए किड लोकी या यंग लोकी देखने को मिले शायद। और यह समय मिलता है एक और फैक्ट, फैक्ट नंबर टू, इकॉल लोकी। एक्चुअली अब हम कॉमिक्स में जिस यंग डैशिंग लोकी को देखते हैं, जिसे हम लोग इतना पसंद करते हैं, जो उतना ज्यादा शैतान और शातिर नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा या घटिया नहीं है, उसके अंदर भी अच्छाई की थोड़ी भलक है, वो एक्चुअली पुराना असली लोकी नहीं है। व्हाइट के हाथों से मरने के बाद वो पुराना शैतान और शातिर लोकी मर चुका है। मतलब लोकी तो नहीं मरा, मगर उसके बाद जब उसने पुनर्जन्म लिया, तब पिछले जन्म का वो जो पुराना इविल शख्सियत था और उसका इविल कॉन्शियसनेस था, वो वापस नहीं आया। और ये नया लोकी जिसने एक बच्चे के रूप में दोबारा पुनर्जन्म लिया, ये एक नया लोकी था जिसने एक फ्रेश स्टार्ट किया था, जिस यंग लोकी को इकॉल लोकी कहा जाता है। और इकॉल शब्द कुछ भी नहीं, बस लोकी का ही उल्टा लिखा हुआ वर्ड है। और पुराना बहुत ही शैतान शातिर लोकी का कॉन्शियसनेस मर तो चुका है, मगर एक्चुअली वो अभी भी एज ए एसेंस या समरी के रूप में इस यंग इकॉल लोकी के मैजिकल स्टब्स के अंदर कैद है, जो बाहर आने के लिए बेताब है। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों एक्चुअली मार्वल कॉमिक में लोकी के माँ बाप को अदल बदल कर दिया गया है। मार्वल यूनिवर्स में लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है, जो फ्रॉस्ट जायंट किंग लॉफी का बेटा है, और उसकी माँ है फरबोटी। लेकिन एक्चुअली नॉर्स माइथोलॉजी में लोकी की माँ लॉफी है, और लोकी के पिता का नाम फरबोटी था। फैक्ट नंबर फोर, लोकी की कमजोरी पानी है। जी हाँ, पुराने जमाने में यानी गोल्डन एज के कॉमिक्स में लोकी के पावर्स या मैजिक्स पानी में काम नहीं करते थे, मगर ये बात जितनी सच और अजीब है, उससे ज्यादा भी अजीब बात ये है कि अचानक से गोल्डन एज में लोकी की इस कमजोरी को दिखाना बंद कर दिया गया था। मतलब इस कमजोरी को दोबारा मेंशन ही नहीं किया गया, और इस कमजोरी को हटाने के पीछे कोई वजह या कोई बात ही नहीं हुई, जैसे मानो क्रिएटर्स भूल ही गए थे कि लोकी की पानी से रिलेटेड कोई कमजोरी भी था। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों जेन फोस्टर को देखते ही पहले तो हमारे दिमाग में लेडी थॉर की बात आती है, और दूसरी थॉर की गर्लफ्रेंड। मगर क्या आप लोगों को पता है कि जेन फोस्टर पहले थॉर के पैर में नहीं गिरी थी, बल्कि उसका पहला क्रश लोकी था। जी हाँ, जब लोकी पहली बार जेन के सामने अपेयर हुआ था थॉर को चैलेंज करने के लिए, तब लोकी को देख के जेन फोस्टर के दिल में एक छोटा सा लड्डू फूटा था, इतना कि उसने लोकी के नाम की तारीफ भी की थी कि क्या नाम है। और ऊपर से लोकी उसे इतना अच्छा लगा था कि वो ये भी सोच रही थी कि लोकी दिखने में कितना डैशिंग और रोमांटिक है। ओह माय
मगर जब जेन को पता चला कि लोकी एक बहुत ही घटिया शख्स है, तब उसके गाड़ी के पहिए घूम गए और थॉर से जा टकरा है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, मगर एक्चुअली बैक 90s में लोकी के पास एक खास अजीब पावर थी, जो थी लोगों को अपने जादू से ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव्स में ट्रांसफॉर्म कर देना। मतलब फोटो रील्स के जो नेगेटिव्स होते हैं, लोगों को वैसे बना देता था। और उन लोगों को ठीक करने के लिए थॉर को अपना हथौड़ा घुमा के एंटी मैटर पार्टिकल्स को इकट्ठा करके उनको एक बीम के रूप में प्रोजेक्ट करके उन लोगों पर शूट करना पड़ता था। और फिर वो सारे ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव लोग कलरिंग इंसान बन जाते थे। पुरानी कॉमिक्स, क्या कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों थॉर का नाम जब भी लिया जाता है, हमारे दिमाग में नेक्स्ट लोकी का नाम आता है। किसी के दिमाग में जेन फोस्टर का नाम भी आ सकता है और किसी के दिमाग में ओडिन का भी, मगर एज ए ओपोनेंट लोकी का नाम आता ही है। मतलब मैं कहना यह चाहता हूँ कि थॉर के बाद लोकी का नाम आता है, मगर क्या आप लोगों को पता है कि एक्चुअली कॉमिक्स में लोकी पहले आया था। थॉर को इंट्रोड्यूस करवाने के 13 साल पहले लोकी एज ए सिंगल इंडिपेंडेंट अलग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था साल 1949 के अगस्त में, जब टाइमली कॉमिक्स मार्वल कॉमिक्स बना भी नहीं था। लोकी हमें दिखा था टाइमली कॉमिक्स की एक रोमांटिक कॉमिक सीरीज वेनस कॉमिक के नंबर 6 में, जहां लोकी एक ओलिम्पियन गॉड था जो अंडरवर्ल्ड में अपनी निर्वासित जिंदगी बिता रहा था। मगर लोकी के उस वर्सन को देख के आप पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो लोकी आज के लोकी से अलग नुकीले कानों वाला लाल वालों वाला डेविल की तरह दिखता था। मगर इसके बाद 1962 में मार्वल कॉमिक्स के जर्नी इनटू द मिस्ट्री कॉमिक में उसे दोबारा रीइंट्रोड्यूस करवाया गया, बिल्कुल जैसा हम उसे आज देखते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ है और नए नए चीजें बनाता और एक्सपीरियंस करता रहता है, और वैसे ही उसने अपनी जिंदगी के कुछ समय औरत के रूप में भी बिताया है। मतलब औरत के भेष में नहीं, बल्कि सचमुच की औरत बन के। जैसे एक बार सिविल वॉर के बाद जब थॉर धरती पर रहने वाले अपने एस्गार्डियन साथियों को ढूंढने निकला था, तब लोकी ने लेडी सिफ के बॉडी को चुरा के लेडी लोकी बन गई थी। और लेडी सिफ को ढूंढते वक्त थॉर को सिफ के जगह पे लेडी लोकी मिला था। मगर सच मानो एज ए वुमन भी वो कमाल का था। और जब थॉर अपनी बहन एंजेलो को ढूंढने के लिए हेवन गया था, तब भी लोकी एक औरत में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और मार्वल कॉमिक्स में लोकी का लेडी वर्सन काफी कॉमन है और फैंस लेडी लोकी को काफी पसंद भी करते हैं। मगर सिर्फ मार्वल में ही नहीं, बल्कि नॉर्स माइथोलॉजी में भी लोकी कई साल एक औरत के रूप में था, और उसी दौरान उसने कुछ बच्चे भी पैदा किए थे। और लोकी की यही लेडी वर्सन हम डिज्नी प्लस के लोकी सीरीज में भी शायद देखने वाले हैं। कम से कम बात तो यही चल रही है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हम सभी जो एमसीयू के लोकी कैरेक्टर से इतना अट्रैक्टेड होते हैं, उसके पीछे एक वजह इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर टॉम हिडलस्टन की लाजवाब परफॉर्मेंस भी है। मगर क्या आप लोगों को पता है कि एक्चुअली लोकी के रोल के लिए पहले टॉम हिडलस्टन को नहीं, बल्कि जिम कैरी को कंसीडर किया गया था। और एक्चुअली टॉम हिडलस्टन ने पहले लोकी की नहीं थॉर के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, जिसकी वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये वीडियो काफी लोगों ने देख भी लिया होगा, क्योंकि ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। मगर इसके बाद उनको थॉर के लिए तो नहीं, मगर लोकी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, जो कि लोकी के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित हुआ। मतलब रियल लाइफ में भी लोकी थॉर की जगह लेना चाहता था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों कॉमिक्स में लोकी ने थॉर के हैमर म्यूनिर को भी उठाया है, मगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ओल्डर लोकी की नहीं, बल्कि यंग लोकी यानी इकोल लोकी की। एक बार जब एक्सिस इवेंट के बाद वो भलाई के रास्ते पे चल रहा था और ओर्दी हो गया था, तब उसने थॉर को पछाड़ने के लिए म्यूनिर को उठाया था, और गॉड ऑफ थंडर के ताकतों के साथ उसने थॉर को पीटा था भी। और रिसेंट कॉमिक कॉस्मिक थॉर में हम लोगों ने दोबारा उसे म्यूनिर को उठाते देखा है, मगर उस वक्त म्यूनिर के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही थी। और जो लोग कॉस्मिक गॉड थॉर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में पूछ रहे हैं, उन लोगों को बता दूं कि कॉस्मिक गॉड थॉर की कहानी खत्म हो गई है। ब्लू आइज बियर के साथ हमने जो आखिरी एपिसोड अपलोड किया था, वही कॉस्मिक गॉड थॉर के कहानी का अंत था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है द हैमर फॉल में, जो आप लोगों को सचिन भाई के सुपर हीरो कॉमिक्स चैनल में मिल जाएगी। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उनके काम को अप्रिशिएट करते हुए मैं दोबारा मोशन कॉमिक्स करके खींचातानी नहीं करना चाहूंगा। सो आप लोगों को अगर वो कहानी देखना हो तो सुपर हीरो कॉमिक्स में जाके देख सकते हैं। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून स्टे सेफ। अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों का चकाव में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।